और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। असम में नागरिक रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। असम में 40 लाख लोग नागरिक नहीं पाए गए हैं, जबकि 2 करोड़ 89 लाख भारत के नागरिक हैं। आपको बता दें, ये दूसरा ड्राफ्ट है जो आज जारी किया गया है और इसे आखिरी ड्राफ्ट के तौर पर भी माना जा रहा है। इंतजार यही था कि आखिर अब किस तरीके से ये ड्राफ्ट जब जारी होता है तो उसमें क्या कुछ तय किया जाता है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि घुसपैठ हुई थी और उसके बाद वहां पर अचानक से जनसंख्या बढ़ी थी 1971 के बाद से, और इसी को लेकर के एक एनजीओ की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद ये ड्राफ्ट जिस पर विचार किया गया था, और पहला ड्राफ्ट 2017 दिसंबर में आया था। Towards fulfillment of a major milestone of publishing the complete draft NRC under the monitoring and supervision and direction of the Honorable Supreme Court. The exercise of NRC in its scale, size and complexity is unprecedented. It has no parallel in the country and perhaps in the world. It's a legal process under the Citizenship Act 1955 and the Citizenship Rules 2003. तो एनआरसी की ओर से दूसरा और फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। तो असम में नागरिकता की फाइनल लिस्ट, असम की कुल जनसंख्या पर अगर नजर डालें तो ये 3,29,00,000 है, जिसमें मार्च 1971 से पहले रह रहे लोगों को रजिस्टर में जगह दी गई है, यानी माना गया है कि वो नागरिक हैं, बाद के लोगों को रजिस्टर में जगह नहीं है। असम के एनआरसी केंद्रों पर लिस्ट लगेगी अब उन लोगों की जिनको एक तरह से नहीं माना गया है कि वो नागरिक हैं। तो पहले रह रहे लोगों को रजिस्टर में जगह दी गई है, मार्च 1971 से पहले जो लोग रह रहे थे।